राजधानी रायपुर के भाटा गांव में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकरा गई कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक विकास शर्मा की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बलौदा बाजार के रामसागर पारा निवासी के रूप में हुई है। वे समाज कल्याण विभाग में सहायक डायरेक्टर ऋचा शर्मा के पति थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विकास ठाकुर देव ट्रेडर्स भाटा गांव में स्विफ्ट कार से जमीन का सौदा कर वापस लौट रहे थे। भाटा गांव रिंग रोड मंजिसा ज्वेलर्स के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। घटना की जानकारी मिलने पर पुरानी बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की सहायता से घायल को कार से निकालकर एम्बुलेंस से वेदेही हॉस्पिटल में ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रामकृष्ण केयर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। एक विकास विश्वकर्मा करके एक व्यक्ति थे, जिनका जो है भाटा गांव चौक के आसपास जो है डिवाइडर से कार टकरा गई थी। इस पर इसको रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कल इनकी मौत हो गई है। इसमें जो है मामला दर्ज करके जो है आगे कार्रवाई की जा रही है।